नमस्कार दोस्तों, ये DJI का Osmobile 3 गिम्बल है। गिम्बल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि जब भी हम अपने मोबाइल से कोई वीडियो शूट करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती, वो हिलती रहती है, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होता। तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्टेबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम गिम्बल यूज करते हैं। तो ये DJI का लेटेस्ट गिम्बल है जो भी अगस्त में लॉन्च हुआ है, अगस्त के लास्ट वीक में। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू भी करेंगे कि ये अपने प्रीवियस जो इसका वर्जन था Osmobile 2 उसके कंपैरेटिवली बेटर है या नहीं है, तो इसका रिव्यू हम आज करेंगे। तो देखते हैं Osmobile 3। काफी हार्ड और रिजिड है। इसके इस साइड में ये इसका पिक्टोरियल व्यू है, और यदि इसके बैक साइड में हम देखें तो ये इसका फोल्डेड व्यू है कि किस तरह से फोल्ड करेंगे तो इसका व्यू आएगा। इसके एक साइड में ये DJI की बैजिंग है, और यदि यहाँ पर हम देखें तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं। तो इसको ओपन करते हैं अभी। ये गिम्बल है और ये एक बॉक्स है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है, ये एक सिलिका जेल है। इसमें दो पैक आते हैं, ये नॉर्मल पैक है और दूसरा कॉम्बो पैक आता है। इस नॉर्मल पैक में हमें ये गिम्बल मिलता है, इसके अंदर ये पावर केबल है और एक स्टोरेज पाउच है और एक रिस्ट स्ट्रैप है। जो कॉम्बो पैक है, जो इससे 2000 रुपीज ज़्यादा है, कॉस्टली है वो, उसके अंदर एक्स्ट्रा हमें एक हार्ड केस मिलता है, और उसके अलावा हमें एक ट्राइपॉड मिलता है जिसके ऊपर हम इसको रखते हैं। तो इस बॉक्स में देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। ये जो बॉक्स है इसमें आई थिंक ये इसका पाउच है, सॉफ्ट पाउच है ये, जिसको हम गिम्बल डालने के यूज करेंगे। और ये इसकी एक पावर केबल है गिम्बल की, सी टाइप की पावर केबल है, और ये रिस्ट स्ट्रैप है, और इसके कुछ ये एनवल्स हैं इसमें। दिस इज ये इसकी ऑपरेशन गाइड है। अब इनको साइड में रखते हैं और मेन गिम्बल है उसको हम चेक करते हैं क्या है। एंड दैट्स द गिम्बल, और ये फोल्डेड फॉर्म में है, काफी हैंडी है। ये Osmobile 3 हमें दो पैक में मिलता है। ये नॉर्मल पैक है जिसकी कॉस्ट 10,999 रुपीज़ है। इसमें हमें ये गिम्बल मिलता है, ये एक पावर कोर्ड है जो सी टाइप है ये मिलती है, और ये इसका सॉफ्ट पाउच है, और ये इसका रिस्ट स्ट्रैप है। ये ट्राइपॉड इसमें नहीं मिलता है हमें। इसका जो सेकेंड पैक है उसमें हमें Osmobile 3 कॉम्बो यहाँ पर लिखा मिलता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा हमें एक ट्राइपॉड मिलता है DJI का, और एक हार्ड केस मिलता है। ये दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा हैं, बट इसके 2000 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। सो मैंने ये ट्राइपॉड इसका एक्स्ट्रा इसका खरीदा, ये ट्राइपॉड अमेजन से, और इसकी कॉस्टिंग मुझे 240 रुपीज पड़ी है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक है। जो DJI का ट्राइपॉड हमें मिलता है वो भी प्लास्टिक मेड है, और ये भी प्लास्टिक मेड है। सो मुझे लगता है कि हमें ये नॉर्मल पैक लेना चाहिए जो किफ़ायती भी है और हमारे 2000 रुपये से बचते हैं। ये गिम्बल है Osmobile 3। यदि हम कंपेयर करें Osmobile 2 से तो काफ़ी हैंडी है, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है ये। और यदि इसके बटन्स को हम देखें तो ये जॉयस्टिक है, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके ऊपर यदि देखें तो ये इंडिकेटर बटन्स हैं जो बैटरी के चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमें बताते हैं। ये जो फर्स्ट इंडिकेटर है ये इसकी कनेक्टिविटी को भी शो करता है। ये इसकी रिकॉर्डिंग के लिए बटन है, और ये जो M लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मोड्स के लिए है, डिफरेंट मोड्स के लिए। हमें लैंडस्केप में करना है, पोर्ट्रेट मोड में करना है, तो हम इस बटन को यूज़ करते हैं।
इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें तो ये जूम इन जूम आउट के लिए बटन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम देखें तो ये इसके चार्जिंग के लिए है। जो पावर सी केबल हमें मिली है उसको यहाँ पर लगाएंगे और उसका सेकंड पॉइंट हम किसी भी चार्जर पॉइंट में इंसर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें एक कनेक्टर है, ये यूएसबी कनेक्टर है, ये यहाँ से हम जो भी मोबाइल हमने लगा रखा है उसको हम चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये एज ए पावर बैंक भी काम करता है। यदि इसको हम ओपन करके देखें इस तरह से, तो यहाँ पर इसके बैक साइड में एक ट्रिगर बटन है। ये ट्रिगर बटन पोजीशन को लॉक करने के काम आता है। इसके अलावा जब हमें फ्रंट और रियर कैमरा हमें स्विच करना है तो इस ट्रिगर बटन को हम यूज़ करते हैं। तो ये गिम्बल है। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, हमें मोबाइल किस तरह से इसमें लगाना है, इसको फोल्डेड फॉर्म में ही रख के, इस तरह से फोल्ड है ये, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम देखें इस तरह से तो ये एरो दिया हुआ है यहाँ पर। इट मींस कि जो हमारा कैमरे की पोजीशन है वो इस साइड में आएगी, और ये DJI जहाँ पर लिखा हुआ ये अपनी तरफ करके हमें, और इसको हमें स्ट्रेच करके यहाँ पे हमें अपना जो मोबाइल है, जो कैमरा है, वो हमें फिट करना है इसके अंदर। और इसके यहाँ पर हम चेक करें तो ये एक स्क्रू है, जो भी हमें एक्स्ट्रा लाइटिंग यहाँ पर अरेंज करनी है तो उसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें तो इसके अंदर जो भी बैलेंसिंग है आपके कैमरे की, आपके मोबाइल की, वो बहुत इजी है। इसको हम फिट करके और सिंपली उसकी पोजीशन को चेंज करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। जबकि जो ओसमो बिल्ड 2 था उसके अंदर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इसके कंपैरेटिवली, वहां पर हमें दो एक्सिस को हमें सेट करना पड़ता था इसकी बैलेंसिंग के लिए। तो इस तरह से ये इसके अंदर हम कैमरा जो है वो कर सकते हैं बैलेंस। दोस्तों यदि ये Osmo Build 3 आपको अच्छा लगा है तो इसके खरीदने के लिए मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। कॉम्बो पैक खरीदना है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यदि नॉर्मल पैक आपको लेना है इसके साथ तो इस ट्राइपॉड का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके टिप्स बताएंगे, इसके सॉफ्टवेयर, इसके मोड कैसे आपको अपग्रेड करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।